कुछताजा खबरें। सीएम ने की शिरपुर पैटर्न की सराहना, 19,000 गांव सूखा मुक्त। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धुलिया के शिरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिरपुर पैटर्न को अपना कर हमारी सरकार ने 19,000 गांव को सूखे से मुक्ति दिलाई है। देवेंद्र की यह सभा यहां से भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार काशीराम पवार के समर्थन में आयोजित की गई थी। सीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में विश्वास रखते हैं। विपक्ष ने स्वीकारी हार। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी और भाजपा को बड़ी चुनौती, दिल्ली में कांग्रेस तैयार कर रही है रणनीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 सिर होने के बावजूद करीब 2.5 महीने से सुस्त पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस अब सक्रिय होने की है। धरना प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। बताया जा रहा है कि इस दिशा में प्लान और तैयार हो चुका है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौरा शुरू होने जा रहा है। इसके बाद बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे, जहां पार्टी को करना चाहिए सक्रिय। इसी निष्क्रियता को तोड़ने के लिए बीते सप्ताह प्रदेश प्रभारी पीसी चाको ने पार्टी से कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था। राजनाथ की पूजा पर हुआ बवाल। दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा फ्रांस जाकर राफेल का लड़ाकू विमान प्राप्त करना और उस पर ओम का निशान बनाना और उस पे पहिए पर आगे नींबू रखने जैसे उनके कार्यों से राजनीतिक का माहौल गर्मा गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ।